भारतीय एयरटेल की सफलता की कहानी। एयरटेल एक ऐसा नाम है जिसे आज दुनिया में कौन नहीं जानता। एयरटेल का इस्तेमाल लाखों लोग करते हैं। आज हम इस वीडियो में उसी एयरटेल कंपनी के मालिक सुनील मित्तल की सफलता की कहानी लाए हैं, जिन्होंने भारत में नई क्रांति लाई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप कहते हैं कि परेशानियों ने आपको हर जगह से घेर लिया, लेकिन सुनील मित्तल के सामने तो दो बार उनका चलाया बिजनेस नाकाम रहा। वो सफल होने ही वाले होते हैं और सरकार उस पर बैन लगा देती, लेकिन देखिए वो आज भी देश की नंबर वन टॉप कंपनी के मालिक हैं। धनी व्यक्तियों में उनका नाम गिना जाता है और यही नहीं, उनके ही कारण आज लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 23 अक्टूबर 1957 पंजाब के लुधियाना शहर में जन्मे सुनील मित्तल, जिन्हें आज भारतीय एयरटेल कंपनी के मालिक के नाम से पूरी दुनिया जानती है। शुरुआती सफर काफी मुश्किल भरा रहा। उनके पिता राजनीति से जुड़े थे और सुनील को राजनीति से दूर दूर तक कोई लगाव नहीं था और ना ही पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी थी। उनका मन बिजनेस में था। हमेशा से ही खुद का बिजनेस खोलने की इच्छा थी। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया। 18 साल की उम्र में उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर साइकिल्स का बिजनेस शुरू किया, जिसमें ब्रज मोहन मोहन मुंजाल थे, जिन्हें आज पूरी दुनिया हीरो मोटो कॉर्प के मालिक के नाम से जानती है। उसके बाद मुंबई में पंजाब के एक्सपोर्टर से उन्होंने इंपोर्ट लाइसेंस खरीदा और जापान से पोर्टेबल जनरेटर इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और उनकी बिक्री करने लगे। इस काम में उनका अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उस समय सरकार ने जनरेटर इंपोर्ट करने पर रोक लगा दी और उनका बिजनेस रातों रात बंद हो गया। 1986 में सुनील ने भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड BTL की शुरुआत की थी। इस कंपनी में फैक्स मशीन, वायरलेस फोन और दूसरे दूर संचार उपकरण बनाए जा रहे थे। 1990 तक सुनील की कंपनी यही काम कर रही थी। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ रहा था। 1992 में सरकार पहली बार मोबाइल फोन सेवा के लिए लाइसेंस बांट रही थी और सुनील ने ये मौका नहीं छोड़ा और दिल्ली के साथ साथ दूसरे शहरों के सेलुलर लाइसेंस को हासिल कर लिया। उसके बाद तो सुनील के कदम थमे नहीं। उसके बाद 1995 में सुनील मित्तल ने एयरटेल ब्रांड के तहत कार्य करने के लिए और सेलुलर सेवाओं की पेशकश के लिए भारतीय सेलुलर लिमिटेड यानी BCL की शुरुआत की। देखते ही देखते इनकी कंपनी ने कामयाबी की सीढ़ियों को छू लिया और ये पहली ऐसी कंपनी बनी जिसके 2 लाख से भी ज्यादा यूजर्स थे। इसके बाद भारतीय सेलुलर लिमिटेड ने इंडिया वन नाम से भारत की पहली प्राइवेट STD/ISD टेलीफोन सर्विस शुरू की और आज उनकी सफलता के चर्चे आप खुद जानते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने आपको एयरटेल कंपनी की सफलता की कहानी बताई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।